जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, एसएससी जीडी के जितने भी मेरे दोस्त कैंडिडेट जो इस वैकेंसी में रह गए हैं और जिनको काफ़ी डर है, और यार जो आने वाले नई वैकेंसी में जो कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपको कुछ खास बात बताने वाला हूँ कि जो एसएससी की तरफ से जो नया नोटिस आया, एसएससी जीडी की तरफ से या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नया नोटिस आया, उसमें आपके फ़ायदे की क्या बात है और आपको थोड़ा सा कुछ काम करना है, वो किस प्रकार से करना है ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके दोस्तों। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए, ताकि आपका भी भला हो सके, आपके छोटे भाइयों का भी भला हो सके और जो नई वैकेंसी में जो दोस्त कैंडिडेट जुड़ने वाले हैं उनका भी भला हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 फरवरी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एनुअल मीटिंग होने वाली है, जो हर 13 फरवरी, जरूरी नहीं है कि हर 13 फरवरी को ही होती है, हर बार अलग डेट को होती है। तो दोस्तों, इस बार जो एनुअल मीटिंग होने वाली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, वो 13 फरवरी को होने वाली है। तो इसके आपसे क्या रिलेटेड है दोस्तों, इसके बारे में बता दूं। साथ ही अगर आप नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर होनी चाहिए आप सभी के पास में, क्योंकि आज के समय में आप सभी को पता है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो ये परीक्षा ऐप है दोस्तों, इस ऐप पे जाइए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदिए और तैयारी करिए। चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज है और बहुत ही कम पैसे में। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो आपको बहुत पैसे लगेंगे, इसमें बहुत ही कम पैसे में। और उसमें मेरा कोड कमांडो50 लगाओगे, कमांडो50 अगर आप कोड लगाते हो दोस्तों, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, मात्र 150 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी कई ऐप है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, तो बहुत ही सस्ते में आपको ये मिल जाएगी, आप एक बार अपना खुद को चेक करिए। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ट्विटर पर एक नोटिस निकाला गया है, उसमें आपका मतलब आपसे जानकारी मांगी चाहिए कि आप क्या चाहते हो उस नोटिस में। तो दोस्तों, उसमें एज रिलेशन यानी 1.5 साल का एज रिलेशन का भी ऑप्शन है, तो आप सभी उस पर मतलब आप रिट्वीट कर सकते हो कि हमको 1.5 साल का इसमें एज रिलेशन, यानी कि जो इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया रहती है उसमें 18 से 23 साल, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये वैकेंसी काफ़ी लेट हो गई, 1 साल के समथिंग ये लेट हो गई, क्योंकि जो 2018 की जो एसएससीजीडी की वैकेंसी थी, आप सभी को पता है उसकी ज्वाइनिंग अब आ रही है, तो जो नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन है इसकी वजह से लेट हो गई। अभी 25 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, आप सभी को पता है, और 10 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप रिट्वीट करते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कहीं ना कहीं दिमाग में ये जाता है कि हाँ, बच्चों को जैसे 2018 वाले भी जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी अभी तक उस वैकेंसी को लेकर काफ़ी दुखी हैं और बार बार मांग कर रहे हैं कि मतलब मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं पहले भी बोला कि आप एज के लिए डिमांड कर सकते हो, मैंने कई वीडियो में पहले भी बोला कि आप एज के लिए ज़रूर डिमांड कर सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, तो आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आप एज के लिए ज़रूर डिमांड करिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको क्या हो सकता है कि अगर 1.5 साल का अगर एज रिलेशन दे दे, यानी 24.5 साल का अगर दे दे, तो ओबीसी वाले के लिए 3 साल प्लस और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 28.5 साल हो जाएगा, एससी एसटी के लिए और प्लस हो जाएगा 5 के बाद में। तो दोस्तों, बहुत ही 27.5 हो जाएगा ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा आप सभी को। और जो नए दोस्त जुड़ रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा ये रहेगा, क्योंकि इस बार अगर छूट दी गई है तो जो नए बिल्कुल जुड़ रहे हैं, तो उनको अगर इस पहली बार ये वैकेंसी देख रहे हैं तो उनके बड़े भाइयों को भी मौका मिल जाएगा, उनको भी मिल जाएगा, और आने वाली वैकेंसी में शायद इसकी एज क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से सेट हो, ताकि अगर कुछ इस भर्ती प्रक्रिया इस बार लेट हो तो वापस एज रिलेशन मिल सके। इसलिए आप ट्विटर पर जाइए, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर जाके आप रिट्वीट करिए, या ट्वीट करिए उस पर जाके आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं और रिट्वीट कर सकते हैं। रिट्वीट के द्वारा आपको लिखना है कि इसमें एज रिलेशन कम से कम 1.5 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों, कितना मांगा जाता है, अगर 1 साल का भी माना जाता है, तो ये इसका मतलब है कि आप सभी अंदर आ सकते हो जिनकी ओवर एज हुई है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, जितने मेरे दोस्त 2018 वाली है, और जो दोस्त ज्वाइन करने वाले वो भी ज़रूर सपोर्ट करें इस बात में अपने छोटे भाइयों को, ताकि आप सभी को इससे फ़ायदा होगा और जितने भी दोस्त आपके या आपके छोटे भाई हैं उन सभी को इससे फ़ायदा होगा। इसलिए ट्विटर पर जाइए, उसकी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर जाके आप ये ट्वीट करिए या रिट्वीट करिए उनको कि भाई हमको 1.5 साल का इसमें छूट मिले। तो दोस्तों, 13 फरवरी की डेट है, 13 फरवरी को आपको इसका फ़ायदा हो सकता है और आप सभी के लिए फ़ायदे की बात है, तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई करिए कि आपको फ़ायदा हो, आपके छोटे भाइयों को फ़ायदा, आपके बड़े भाइयों को फ़ायदा हो जो इस वैकेंसी में रह गए उनको, और जो नए जुड़ रहे हैं जिनकी एज निकल गई है इस वैकेंसी में, जो शुरुआत में पेपरों में भी रह गए थे, उनको भी एक नया मौका मिल जाएगा अगर एज रिलेशन मिलती है। तो सभी दोस्तों को आप शेयर करें वीडियो और सभी ट्वीट करें, ताकि आप सभी का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।